देखिए, हमें लगता है कि जो क्रीमी लेयर का बात हो रहा है शेड्यूल कास्ट में एंड उसमें, मेरे को ये लगता है कि जो आरक्षण का आधार है वो छुआछूत था। जब संविधान ने हमें आरक्षण दिया था तब उसका जो मेन आधार था वो छुआछूत था। अगर आपकी जाति कभी भी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है, या आपको कभी भी उस जाति के आधार पर आपके साथ गलत हुआ है, उन सारों को आरक्षण का अधिकार मिला था ताकि उनका सामान्य प्रतिनिधित्व हो सके समाज में, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो क्लास डिविजन्स या सब डिविजन्स लाने का प्रयास है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है और आप उसका अब आधार कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। देखिए, आरक्षण का जो लाभ है वो सामान्य है समाज में। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल रहा है और किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ कम मिल रहा है। तो आप जाति के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और हम ये मानते हैं कि ये कहना कि नहीं इसको आरक्षण ज्यादा मिल रहा है और इसको आरक्षण कम मिल रहा है, आरक्षण का बेसिस कभी भी क्लास डिवीजन था ही नहीं। आरक्षण का बेसिस था अनटचेबिलिटी, आरक्षण का बेसिस था कि जो समाज में सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो सिमिलर हो। तो उसको फिर अब किसी और चीज से कोरिलेट करना, हमको लगता है कि वो इंटायर पर्पस जो है कि समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी आगे हैं और समाज में अपने बातों को बेफिक्र निडर होकर रखे, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा फिर।